बच्चों, हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर चालू कर दिया था, तो आप लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में एक बार फॉर्मूला चार्ट खोलिए। देखिए, फॉर्मूला चार्ट में हमने बार मैग्नेट के बारे में बात कर लिया था, वाइब्रेशन के बारे में बात कर लिया था, मैग्नेटिक वाइब्रेशन के बारे में मुझे ऐसा याद है। डू योर सेल्फ वाले जो क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 आप प्रयत्न करिए, और नहीं बनते हैं आप जूम सेशन में पूछ लीजिएगा। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे इनको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे रिलेशन रिलेशन बिटवीन म्यू म्यू नॉट म्यू आर एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई। ध्यान दीजिए, स्कूल में वैसे तो स्कूल वाले जो है ना, इस चैप्टर में से जो है अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, ये सब चीज़ें नहीं पूछते, लेकिन फिर भी कभी कभी इसमें रिलेशन पूछ लेते हैं। तो देखिए क्या है, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले तो टर्म्स जान लो क्या क्या है। टर्म है म्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट या केवल मैग्नेटिक परमेबिलिटी, है ना, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और आप इसको लिख लीजिए कंप्लीट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम, कोई अगर मीडियम है तो एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मीडियम म्यू नॉट। म्यू नॉट को हम कहते हैं, अच्छा इसको केवल अगर आप एब्सोल्यूट ना बोले ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोल दीजिए तो भी चलेगा। म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कोई कुछ भी मटेरियल वगैरह नहीं है। म्यू आर क्या है, म्यू आर है रिलेटिव रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल मटेरियल ऑफ मीडियम मटेरियल ऑफ मीडियम, डी मीडियम लिख दो, ऑफ द मीडियम। अब देखिए म्यू आर क्या है, म्यू आर होता है बेटा म्यू अपॉन म्यू नॉट, ये म्यू आर होता है, पक्का। अच्छा, अब जब ये म्यू अपॉन म्यू नॉट आ गया ना, तो हम बात करते हैं कि ये जाई क्या है। जाई तो आपकी पता ही है, आपको कल हमने पढ़ाया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने आपको तीन तरह की बताई थी, तो वो आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास के लिए, और मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल के लिए, राइट। चलिए अब हम इनमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए, इनमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए कंसिडर अ सोलेनोइड विथ वैक्यूम, कंसिडर अ सोलेनोइड विथ वैक्यूम, जिसमें वैक्यूम है ना, ये जो वैक्यूम वाली सोलेनोइड होती है ना, इसको कभी कभी पेपर कोर सोलेनोइड बोल देते हैं, कभी कभी एयर कोर सोलेनोइड बोल देते हैं, है ना। अगर पेपर कोर बोलते हैं तो कभी कभी वो पेपर कोर का म्यू आर दे देते हैं, पेपर का जो पेपर है उसका म्यू आर दे देते हैं, एयर कोर बोल दिया तो उसका म्यू आर जो है ना वन ही रहने देते हैं, या कभी कभी है ना जो एयर का म्यू आर भी दे देते हैं 1.00004 ऐसा कुछ लिख देते हैं वो, बाकी म्यू आर को हम वन ही मानते हैं एयर के लिए, राइट। कंसिडर अ सोलेनोइड विथ वैक्यूम, जैसे मान लीजिए ये एक सोलेनोइड है और इसके अंदर अभी वैक्यूम है, क्या है अभी इस समय वैक्यूम है, इसमें हमने करंट आई फ्लो कर दिया स्मॉल आई, तो जब हमने स्मॉल आई करंट फ्लो किया तो बताओ बी नॉट कितना आएगा, बी नॉट इज आएगा म्यू नॉट एन आई, इसी को हम म्यू नॉट एच कहते थे। आपको पता है एच बराबर एन आई क्या था, बताओ ये था इंटेंस मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, देखिए नाम देखना मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इसको जो है ना कभी कभी एस बोल देते हैं, कभी कभी जेड बोल देते हैं, एक्चुअल में पता है क्या है ये जेड और एस, उसका ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का चक्कर है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, अमेरिका वाले जेड लिखते हैं और ब्रिटिश वाले एस लिखते हैं,
है ना। आजकल जो है ब्रिटिश वाला जो है ना कम हो गया, अमेरिका वाला ज्यादा हो गया। हम लोगों के टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो ब्रिटिश इंग्लिश का इफेक्ट था। एक्चुअल में इंडिया में तो ब्रिटिशर शासन करके गए ना, तो वो मतलब एस था, और ये यहाँ पे जेड है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं। एच आपका मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग यानी मैग्नेटाइज करने वाला, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइज करने वाला, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइज होने वाला। तो अब देखिए ये आपका एच आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक मटेरियल भर देते हैं, है ना। नाउ नाउ इफ अ मटेरियल इज फिल्ड, इफ अ मटेरियल इज फिल्ड इन द सोलेनोइड, देन इफ अ मटेरियल इज फिल्ड इन द सोलेनोइड, देन व्हाट विल हैपन? देन सम एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। देखो बेटा, ये जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है ना अंडर द इफेक्ट ऑफ मटेरियल, इसकी वैल्यू होती है आपकी म्यू नॉट इंटू आई। ये बात यहां था म्यू नॉट इंटू एच, वहां है म्यू नॉट इंटू आई। ये क्या है? म्यू नॉट यानी कि एब्सेंस ऑफ वैक्यूम, बट आई जो है ना यहां पे मटेरियल की प्रॉपर्टी आ रही है। आई क्या है? आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल, प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल। ये मटेरियल में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होती है, क्रिएट होती है, तो उसको हमने म्यू नॉट आई लिख दिया। तो देखिए अब नेट कितना आएगा, ये मटेरियल भरने के बाद आया। सोलेनोइड में हमने मटेरियल भर दिया था ना, ये लो आप इसके अंदर मटेरियल डाल दो, कुछ मटेरियल भर दो भर दो भर दो भर दो भर दो। इस समय मटेरियल नहीं भरा था, यहां भर दिया मटेरियल, है ना। ये वाली बड़ी सोलेनोइड बना दी, छोटी सोलेनोइड बना दी एक ही सोलेनोइड है बेटा, अलग अलग सोलेनोइड नहीं है। आपको कहोगे सर आपने तो छोटी बड़ी बना दी है, बेटा ऐसा नहीं है, वही है सोलेनोइड, है ना। उसको बना दो वैसा बनाओ, नहीं नहीं ऐसा कोई वो नहीं है, वो तो मतलब बताने की बात है जी, है तो वही सोलेनोइड। ये लो मैंने वैसा बना दिया प्रयत्न करके, अब पता नहीं जैसा भी है ना। इसमें आप माल भर दीजिए, कुछ सामान भर दीजिए, कुछ मटेरियल भर दीजिए, तो जब आप मटेरियल भरेंगे तो ऐसा होगा, राइट। ये वाली चीज एक्स्ट्रा डेवलप होगी, वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन ये और आ जाएगा मटेरियल के कारण। तो अब देखिए, नाउ आफ्टर फिलिंग द मटेरियल, नाउ आफ्टर फिलिंग द मटेरियल आफ्टर फिलिंग द मटेरियल टोटल और नेट, टोटल और नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सोलेनोइड, इन द सोलेनोइड ध्यान दीजिए, नाउ आफ्टर फिलिंग द मटेरियल टोटल और नेट मैग्नेटिक इंडक्शन इन द सोलेनोइड, इन द सोलेनोइड विल बी, विल बी, देखो बी नेट, बी टोटल, बी टोटल, ये क्या आएगा? ये आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इन एब्सेंस, इन एब्सेंस ऑफ मटेरियल प्लस प्लस एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंडक्शन, प्लस एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, ये दोनों का टोटल आएगा बेटा।
प्रेजेंस ऑफ मटेरियल। आप देखिए तो ये आएगा आपका म्यू नॉट एच प्लस, अब आएगा म्यू नॉट आई। अब आप म्यू नॉट को कॉमन ले लीजिए, एच को अभी एच रहने दो, या चलो एच को भी कॉमन ले लो, है ना। हाँ एच को भी कॉमन ले लो जी, हटाइए। ये क्या बात है भाई, देखो ये आपका म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई है। मैं इसमें से म्यू नॉट एच को कॉमन ले लेता हूं, वन प्लस आई अपॉन एच। देखिए आई अपॉन एच को आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहा था, है ना। तो ये आ गया है म्यू नॉट एच और वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स, ये चीज आ गई। अब जब ये चीज हो गई है ना, तो म्यू नॉट वन प्लस एक्स यानी म्यू आर और ये एच, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो प्रेजेंस ऑफ मटेरियल के लिए हमने बी को क्या लिख दिया, प्रेजेंस ऑफ मटेरियल के लिए हमने बी को लिख दिया म्यू इंटू एच। इस म्यू इंटू एच को क्या लिख देते हैं, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। अब देखो अपने आप बन रहा है, अपने आप बन रहा है म्यू नॉट म्यू आर को क्या लिख दिया, वन प्लस एक्स इंटू एच, राइट। ये जो है ना, इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये प्रूव हुआ अगर आप कंपेयर करेंगे तो, हेंस म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गया। अच्छा इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी यही था, ध्यान दीजिए अगर मैं इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सा बात करूं तो इलेक्ट्रिकल भी ऐसा ही था कि आपका जो एप्सिलॉन आर था ना बेटा, एप्सिलॉन आर था, इसको आप कह सकते हैं वन प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये था। अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या थी, जो आपका पोलराइजेशन आया था ना पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, वो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी थी। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी आपका था पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी थी, ठीक है। यहां भी ऐसा ही है, ये म्यू आर प्लस एक्स, तो इसका मतलब ये चीज हो गई। अब देखो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम मटेरियल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और मटेरियल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। All materials in nature or in universe, है ना, all materials in nature can be divided into three categories. ध्यान दो कौन कौन सी तीन कैटेगरी हैं। सबसे पहला डायमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, इसका म्यू आर का फॉर्मूला तो वही रहेगा हमेशा ही जाएगी। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ना, ये नेगेटिव होता है, तो जाई इज नेगेटिव एंड लो, नेगेटिव एंड लो, नेगेटिव होता है, लो होता है, कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आपका जो म्यू आर की वैल्यू आती है ना, ये ओवरऑल लेस देन वन आती है, म्यू आर लेस देन वन होता है। अच्छा देखो म्यू आर लेस देन वन है ना, तो आपका म्यू आर क्या होता है, म्यू आर होता है आपका म्यू अपॉन म्यू नॉट और ये लेस देन वन है। इसका मतलब ऐसे मटेरियल्स के केस में म्यू जो है वो लेस देन म्यू नॉट आएगा, राइट। अच्छा बी नॉट जो था वो क्या था, वो तो पॉजिटिव होता है, बी नॉट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, बी नॉट यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन इन एब्सेंस ऑफ मटेरियल, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बी ई माने मैग्नेटिक इंडक्शन एक्स्ट्रा, वो नेगेटिव होगा इन मटेरियल्स के, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं, तो ये थोड़ा सा रिपेल करते हैं, है ना। तो एक्सपीरियंस रिपल्सन और बिहेव अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड,
और बिहेव अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट बिहेव करते हैं। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आप इसको ऐसे लिख दो, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये इनकी टेंडेंसी होती है दूर भागने की, मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखने की, दूर 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 जाओ, पास में मत जाओ। जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो आपने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डाल दिया, कि साहब आपने एन लिया और एस लिया, इसके बीच में डायमैग्नेटिक मटेरियल को डाल दिया, तो पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आपकी एन से एस चलती है, आपने दो मैग्नेटिक पोल अलग अलग लिए हैं, एन से एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है, जो मटेरियल आपने डाला है ना वो इनके साथ अलाइन नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ, ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा कि कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे अंदर से पास हो। अब आपने डाल तो दिया बेचारा, आप सोचिए नेचर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल क्या, वो नेचर ऑफ द मटेरियल जो भी है, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं, आई एम सॉरी, आपने एन एस डाल दिया, अब फील्ड लाइन ऐसे चल रही है, आपने डाल दिया मटेरियल, अब वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम से कम आवे, तो वो क्या करेगा परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा, मतलब ट्राई करेगा, आपने अगर ऐसे डाला तो भी थोड़ा घूमने की ट्राई करेगा, दूर भागने की ट्राई करेगा, उससे मैग्नेटिक लाइन के अलाइनमेंट में नहीं आएगा, यानी ऐसी कोशिश करेगा कि लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हो, मैग्नेटिक उसकी मटेरियल की ट्राई क्या होगी, लेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से पास हो। अब जैसे मान लो कोई आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसको आपने एन एस रख दिया, अब आपने एक वॉच ग्लास लिया, वॉच ग्लास क्या होता है, एक इस तरह की कढ़ाई टाइप होती है कांच की, वॉच ग्लास जानते हो ना, लेबोरेटरी में मिलता है, जिसको आपने 11th क्लास में स्फेरोमीटर का वो निकाला होगा, इसका जो है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आप लोग थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखना, वैसे हम मैं करवा देता हूँ इन जनरल, अपने आप करवा देता हूँ, लेकिन कभी कभी छूट जाता है कि इसकी स्फेरोमीटर का यूज ऑफ स्फेरोमीटर इन लेबोरेटरी, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है ना जेई एडवांस में आ जाता है, ध्यान देना मेरी बात सुनना, वैसे तो उसमें हम करवा देते हैं स्फेरोमीटर क्या होता है, बच्चा भी जान जाता है, कोई खास बात नहीं। अब देखिए इसमें अगर मान लो मैंने एक लिक्विड डाल दिया या कोई चूर्ण डाल दिया, इसका मटेरियल का जो है ना चूरा करके पाउडर ऑफ द मटेरियल डाल दिया या लिक्विड डाल दिया मटेरियल का, है ना, कोई मटेरियल है उसका लिक्विड है, तो पता है क्या होता है कि वो जो लिक्विड होता है वो ऐसा अरेंज करता है कि एन और एस के पास कम से कम रहे, यानी कि इस तरह का सीन बन जाता है कि अगर मैंने पूरा भरा है ना इसको, पूरा भरा है तो यहाँ पर बिल्कुल कम रह जाता है, जरा सा रह जाता है, और यहाँ बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, बोले भाई पोल्स के नजदीक कम रहेंगे, हम तो पोल्स से दूर रहेंगे, हम तो पोल्स से दूर रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे हम पोल्स से, ये रिपल्सन का नेचर है, करेक्ट, ये चीज है। अच्छा अगर हम इसमें जो है ना एक ग्राफ ड्रॉ करें ना आई और एच का, तो आई और एच का ग्राफ ऐसा आता है, जैसे मान लो ये आई एक्सिस है, आई आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच क्या है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, नेगेटिव में आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। अच्छा अगर मैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करूं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो एक्स है इसकी वैल्यू जो होती है ना वो भी कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर के साथ बदलती नहीं है, और नेगेटिव तो होती है, तो आप इसको टेम्परेचर अगर यहां पर लेते हैं तो टेम्परेचर के साथ आप ग्राफ ऐसा बना सकते हैं, नेगेटिव कर नेगेटिव बना सकते हैं, कभी कभी ये ऊपर भी बना दिया जाता है फॉर्मूला चार्ट में, देखें कैसा बना रखा है फॉर्मूला चार्ट में, ऊपर ही बना रखा है ना, मतलब इसका वो है एक्चुअल में सेंस जो है ना वो ये है कि आपका मोड जो है ना उसके साथ में ग्राफ बना दिया जाता है, कभी ऐसे बना दिया जाता है, ये तो टाइम टाइम की बात है, लेकिन आपको कुछ नहीं एग्जाम में वो अपना बता देते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा। अब जैसे मान लो दोनों ग्राफ आ गए कि पॉजिटिव वाला भी आ गया और नेगेटिव वाला भी आ गया, तो फिर आप डायमैग्नेटिक के लिए इसको सही करेंगे, क्योंकि नेगेटिव तो होती है ससेप्टिबिलिटी, राइट, तो इस तरीके से ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल की बातें हो गई। अब हम आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल पर, है ना, चलो जी, पैरा, पैरा का मतलब होता है लिटिल अट्रैक्शन, वो ससेप्टिबिलिटी शो करते हैं, एफिनिटी शो करते हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, लिटिल एफिनिटी, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ना ये लिटिल एफिनिटी शो करते हैं किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ,
तो इसका जो सीन होता है वो ये होता है कि आपका जाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है बट लो, मतलब ज्यादा हाई नहीं होता, पॉजिटिव एंड लो मतलब कम होता है, थोड़ी सी वैल्यू होती है, राइट। म्यू आर जो आता है वो वन प्लस जाई, तो नेचुरल है कि दिस विल बी ग्रेटर देन वन, म्यू आर ग्रेटर देन वन आएगा। और म्यू आर इक्वल टू, अगर हम बात करें म्यू अपॉन म्यू नॉट, इट इज ग्रेटर देन वन, तो सर्टेनली म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, राइट। ये आपका आ गया। अब जब ये चीज आ गई है ना आपकी, तो आप ध्यान दीजिए क्या होने जा रहा है। होने कुछ ऐसा जा रहा है कि अब मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा सा उसके साथ में एफिनिटी शो करेगा। जैसे मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाला एन एस, अब आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। आपने मटेरियल को अगर मान लो उसमें परपेंडिकुलर डाल भी दिया ना, डाल भी दिया, तो ये मटेरियल जो है आपने तो डाला परपेंडिकुलर है, लेकिन वो अपने आप ही घूम करके थोड़ा सा सीधा सीधा होना चाहेगा, मतलब वो प्लान करेगा, मटेरियल की टेंडेंसी होगी धीरे 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 घूमने की। देखो मटेरियल अपना भारी तो होता ही है, तो ऐसे तो नहीं ये पूरा पूरा घूम जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग नहीं है ना, स्ट्रांग ससेप्टिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास हो। मटेरियल की ये इच्छा होगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मेरे अंदर से पास हो, मटेरियल चाहेगा ये, राइट। अच्छा, अगर मान लो आपने जो है ना मटेरियल के अंदर, जैसे वॉच ग्लास के अंदर आपने कुछ रखा, तो कुछ रखा, तो यहाँ पे टेंडेंसी इस तरह से आएगी कि पोल्स के पास में थोड़ा ज्यादा आ जाएगा मटेरियल, और बीच में से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, मतलब पोल्स के पास रहना चाहेगा, मैग्नेटिक पोल्स के पास में रहने की इच्छा होगी कि मैं मैग्नेटिक पोल्स के पास में रहूं, राइट। अच्छा चलिए, ये चीज हो गई। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं कि हमारा जो ग्राफ है ना आई और एच का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई और एच का जो ग्राफ है ये आपकी बार में पॉजिटिव आएगा और जो है इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो ना, आप अपना फॉर्मूला चार्ट देखिए, इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा आई और एच का ग्राफ। अच्छा, और जो एक्स है ना, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि जाई जो है ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ आपका पैरामैग्नेटिज्म कम होता चला जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कम होता चला जाता है। तो देखिए कैसा होगा ये जो ग्राफ आएगा ना, ओ सॉरी, ये लो हम इधर खींच देते हैं। सबसे पहली बात, अब जो जाई है वो पॉजिटिव है, इसलिए अब नेगेटिव का क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होता, और ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा हाइपरबोलिक, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं किसके बारे में, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखिए, तो मैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं, चलो इसी पेज पर कर देते हैं। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो ना तीसरे टाइप के मटेरियल, और ये जो ना बड़े स्ट्रांग होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए बड़ी स्ट्रांग ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सबसे ज्यादा जो ये प्रॉपर्टी पाई जाती है ना, ये आयरन में पाई जाती है, आयरन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, इसके बारे में मैं बात करूँ, एक मिनट जरा चार्ट, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, अरे कई बार तो पता है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती और पूरा टाइम खराब हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें जैसे आपका जो एक्स होता है ना जाई, ये पॉजिटिव होता है एंड हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। म्यू आर जो होगा ना वो आपका वन प्लस एक्स होगा बिल्कुल, और इसकी जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन वन आएगी, वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। और नेचुरल है कि आपका जो म्यू आर जो होता है वो म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है बेटा, सॉरी म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो ये जो है ये ग्रेटर ग्रेटर देन वन है ना, तो म्यू जो है आपका ये भी ग्रेटर ग्रेटर देन म्यू नॉट होता है,
बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड आप लिख दीजिए, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें पुअर अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जो आपका पैरामैग्नेटिज्म था उसमें क्या था, पुअर अट्रैक्शन था, तो इसको आप लिख सकते हैं पुअर अट्रैक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड, पुअर अट्रैक्शन विथ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान दो, उसको आप लिख सकते हो पुअर रिपल्सन, है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पुअर रिपल्सन विथ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जोरदार रिपल्सन नहीं होता, ऐसा नहीं कि भाग जाएगा, लेकिन बस अपने आप को शो करेगा कि आई एम नॉट फ्रेंड, है ना, पुअर रिपल्सन विथ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब आप आ जाइए यहां पर। जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एन है और ये एस है, अब आपने किसी मटेरियल को जो है ना डाला, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, आपने तो डाला ऐसे, आपने तो कहा कि चल ऐसे डल, वो क्या करेगा, ऐसे लेट जाएगा एकदम तेजी से, फास्ट, सुपर फास्ट। जैसे आप दो है ना, दो मैग्नेटिक पोल्स लो और एक लोहे की कील ले लो, फिर आप कील को यू डालो, आप तो डाल रहे हो वर्टिकल, परपेंडिकुलर डाल रहे हो, वो देखना वो एकदम लेट जाएगी, ये तो आप कर ही सकते हो, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो मटेरियल क्या चाहेगा कि मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुड पास इन विद इन, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी कमाल होगा, आप ध्यान दीजिए, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसके अंदर से घुसने की कोशिश करेंगी। यानी कि देखो मैं आपको एक, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये इसका एक बहुत बड़ा यूज है, और वही यूज इलेक्ट्रिक शील्डिंग में और मैग्नेटिक शील्डिंग में, तो आप समझने की कोशिश करिए। जैसे ये एन एस है, आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाला यहाँ, तो अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं डाला हुआ है तब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट प्रेजेंट। अब आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया क्योंकि इसका यूज है बहुत ज्यादा, है ना, क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, अब देखना इलेक्ट्रिक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टेंडेंसी चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से निकली है ना वो इसके अंदर से घुसने की कोशिश करेंगी, यहां से फिर ऐसे घुसने की कोशिश करेंगे, यहां वाली इसके अंदर ही रहेगी, फिर यहां वाली जो है ना वो भी इसके अंदर से घुसने की कोशिश करेंगी, समझ रहे हो। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता था कि जब आप कंडक्टर मटेरियल डालते हैं तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके मतलब अंदर से पास, वो सॉरी एक मिनट, जैसे आपने इलेक्ट्रिक वो डाला ना, इलेक्ट्रिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिक शील्डिंग क्या होता था कि वो उसके अंदर जाने नहीं देती थी, यहाँ उल्टा है, इसके अंदर ही सारा ले लेती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने नहीं देती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे मान लो आपके पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है, सपोज मैं आपको ये वाली बात समझाता हूँ, मैग्नेटिक शील्डिंग एंड इलेक्ट्रिक शील्डिंग, ये एक्चुअल में बहुत सवाल आते हैं इस पर, मैग्नेटिक शील्डिंग एंड इलेक्ट्रिक शील्डिंग, है ना, ये स्पेलिंग जो है शील्डिंग की ई आई होता है, आई होता है, ये अंग्रेजी भाषा की समस्या है, अंग्रेजी भाषा की समस्या है, मेरी समस्या नहीं है भैया, इसको जो है ना ये प्रॉब्लम अंग्रेजी भाषा की है, एस एच ई आई होता है या एस एच आई होता है, आई डोंट नो, मतलब जानते जूनते सारे हैं बोल जाते हैं ना, ये तो रट्टाफिकेशन है कि किसकी कितनी बढ़िया, कितनी बार किसने अंग्रेजी बोली जिंदगी के अंदर है, अब मैंने तो हजारों बार बोला लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ, तो ये तो ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक शील्डिंग देखो, दोनों में अंतर देखिए आप, ये डिफरेंस पूछा भी जाता है, मैग्नेटिक शील्डिंग एंड इलेक्ट्रिक शील्डिंग में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो पूछा जाता है। देखिए मैग्नेटिक शील्डिंग में क्या होता है कि जैसे आपने मान लो एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, इस इंस्ट्रूमेंट को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, ठीक है ना, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से बचाओ नहीं तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बचाना है ना, बचाना है, तो अब हम क्या करेंगे कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बॉक्स बनाएंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बॉक्स बनने के बाद पता क्या होगा कि जो भी आसपास में यहां वहां जहां तहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी
वो इसके पास नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मटेरियल खुद रखेगा ना अपने पास, कहेगा मेरे पास आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी भी है जहां से भी आ रही हो दुनिया के किसी भी कोने से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मान लो यहाँ आ भी गई, अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाना तो यहाँ था इंस्ट्रूमेंट के पास, लेकिन ये मटेरियल कहेगा नो, क्योंकि यहाँ तो मटेरियल नहीं है ना, ये कहेगा चलो इधर जाओ, चलो इधर जाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मतलब मटेरियल के अंदर से पास हो जाएंगी, इंस्ट्रूमेंट के पास में नहीं जाएंगी। वी वॉन्ट टू सेफ गार्ड द इंस्ट्रूमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड लगते ही इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा, तो वो हमें सेफ करना है इंस्ट्रूमेंट को। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल शील्डिंग, तो इलेक्ट्रिकल शील्डिंग में क्या है कि जैसे मान लो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका हम सेफ करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से भी सेफ करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी सेफ करना चाहते हैं। वैसे दोनों की शील्डिंग एक से ही हो जाती है, क्योंकि जो है ना आमतौर पर यह देखा गया है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आयरन काम में लेते हैं। अब आयरन जो होता है वही जो है ना कंडक्टर भी होता है, तो वो काम चल जाता है। यानी आयरन का बॉक्स, एक ही बॉक्स जो है ना दोनों काम कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी बचा लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बचा लेता है। तो आयरन का एक बॉक्स होता है, इसके अंदर मटेरियल इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं, अब खराब नहीं होता। कैसे? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं आ भी रही है इधर उधर से, इसके अंदर तो कोई है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये अपने अंदर आने नहीं देता, कहेगा नहीं बाहर रहो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी नहीं, आएगी नहीं। एक्चुअली पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाता है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, सपोज इधर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है कोई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कारण ही, तो पॉजिटिव नेगेटिव के कारण यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, ये इंडक्शन हो जाता है चार्ज का, राइट। अब होता क्या है रिजल्टेंट फिगर में कि जो है ना इसके अंदर कुछ भी नहीं जा पाता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहता है, हमेशा जीरो रहता है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, यानी इंस्ट्रूमेंट को कुछ नहीं मिलने वाला, यानी सेफ हो गया। तो इसको मैग्नेटिक शील्डिंग और इलेक्ट्रिक शील्डिंग में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? मैग्नेटिक शील्डिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर समेट लेता है मटेरियल, मटेरियल एब्जॉर्ब्स ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता खुद, इंस्ट्रूमेंट को कहता तू मस्त रह, मैंने एब्जॉर्ब कर रखा है। यहां क्या है, यहां कहता है काय का एब्जॉर्ब, आने नहीं दू, आने क्या नहीं देता, वो एक्चुअल में चार्ज इंड्यूस हो जाता है तो वहीं पर रह जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक शील्डिंग कहते हैं इसको, राइट। चलिए जी एक मिनट, जरा हमने ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर दिया इसके, नहीं ये आपका ये रहा। अब इस यहाँ पर थोड़ा सा बिहेवियर जो ना, अगर लिक्विड या वॉच ग्लास पे रख देते हैं मटेरियल, क्योंकि ये चीजें पूछते हैं ये लोग, वॉच ग्लास पे रख दिया तो क्या होगा आपका, ऐसा सीन बनेगा, ध्यान रखना NS, पता है पूरा मटेरियल यहाँ पोल्स के पास में इकट्ठा होने की ट्राई करेगा और यहाँ पे गायब हो जाएगा, मैग्नेटिक पोल्स को सपोर्ट करेगा, मैग्नेटिक पोल्स के पास में रहना चाहेगा, राइट। अच्छा अब देखिए आप इसका जो एक्स और उसमें जो ग्राफ है, नहीं आई और एच का ग्राफ बनाओ, पहले आई और एच का ग्राफ बनाओ। तो देखिए आई और एच, जैसे जैसे एच बढ़ता है ना, वैसे वैसे आई तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है ना, एच बढ़ने के साथ साथ आई बढ़ता है और बाद में एक सीमा तक जाके सेचुरेशन आ जाता है। यानी कि आप किसी भी मटेरियल को एक लिमिट से ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, यानी मैग्नेटाइजेशन की भी एक सीमा है, लिमिट है, उसी तक आप मैग्नेटाइजेशन कर सकते हो, उससे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन करने का आपको राइट नहीं है, यानी नेचर ने लिमिट लगा रखी है कि आप उससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, करेक्ट। चलिए अच्छा अब जो है ना यहां पर आकर के एक जो है ना क्यूरी वीस नियम होता है, ध्यान दो, क्यूरी वीस इक्वेशन, है ना, क्यूरी वीस इक्वेशन, एक मिनट जरा, क्यूरी वीस इक्वेशन, क्यूरी में आपका फॉर्मूला चार्ट देखो, क्यूरी में सिंगल आर लगाया है ना, हाँ क्यूरी में सिंगल आर लगाया है। मेरे को तो एक्चुअल में ये जो है ना अंग्रेजी लैंग्वेज से ही जो है ना थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, रिपल्सन है, साइकोलॉजी को साइकोलॉजी बोलते हैं, बताएं क्या करते हैं, थोड़ा भी लॉजिकल आदमी होगा ना उसको अंग्रेजी भाषा का जो है ना समझ में नहीं आएगा लॉजिकल को। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी खराबी है,
ये जिन्होंने जो हमारे इनिशियल जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा लीडरशिप रहा उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। आप देखो वर्ल्ड का एक भी कंट्री ऐसा नहीं है एक्सेप्ट इंडिया, एक भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसमें बेसिक एजुकेशन और फर्दर एजुकेशन साइंटिफिक एजुकेशन जो है ना वो अपनी मदर टंग में नहीं दी जाती है। सारे जय हो चाइना का प्रोग्रेस क्यों है, चाइना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, क्यों? इसलिए क्योंकि मदर टंग में एजुकेशन है, बच्चे को समझ में आता है ना, एक इमोशन होता है, एक पूरा सेंटिमेंट जो है दिमाग में जाता है कैसे जाएगा चीजें है, क्यूरी वीस। देखो वीस लोग क्या है, ये यहां वालों ने है ना अंग्रेज गए लेकिन अपनी औलादें यहां छोड़ गए थे। क्यूरी बीस लो में क्या होता है कि जो जाई है ना ये एक टेम्परेचर पर अलग तरह से डिपेंडेंस करता है और इसको कहते हैं कि एच अपॉन टी माइनस टी सी। ये देखो एच अपॉन टी माइनस टी सी, एच कॉन्स्टेंट होता है तो आप जाई को ऐसा लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी माइनस टी सी। टी सी को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, टी सी इज क्यूरी टेम्परेचर। ध्यान दीजिए क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है कि उससे पहले तक मटेरियल जो है ना फेरोमैग्नेटिज्म का बिहेवियर करता है, जैसे ही ये टेम्परेचर पास करता है पैरामैग्नेटिक बनने की ट्राई चालू हो जाती है। तो ध्यान दीजिए क्यूरी टेम्परेचर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, क्यूरी टेम्परेचर टी सी इज दैट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर अप टू विच अ मटेरियल एग्जिबिट्स क्यूरी टेम्परेचर टी सी इज दैट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर अप टू विच अ मटेरियल एग्जिबिट्स फेरोमैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिज्म अबव टी सी अबव दिस टेम्परेचर है ना। ध्यान दो अबव दिस टेम्परेचर मटेरियल स्लोली स्टार्ट बिकमिंग पैरामैग्नेटिक। ध्यान दो आप होता क्या है, इस तरह का सीन होता है जैसे आपका ये टी है और ये आपका जाई है और ये आपका ये है, करेक्ट। अब होता क्या है, टी सी एक टेम्परेचर होता है ऐसा, तो एट एब्सोल्यूट जीरो हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जीरो केल्विन जिस पर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, यानी एप्सिलॉन आर जीरो हो जाता है और आपका जो है ना ये क्या बोलते हैं म्यू आर जो है ये भी जीरो हो जाता है, यानी होता ही नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है एब्सोल्यूट जीरो पर। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है ना एकदम फ्रीज हो जाते हैं एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर, इसीलिए हम प्राप्त नहीं कर पाते है ना, कहते हैं ना कि इन्फाइनाइट टेम्परेचर है ये इम्पॉसिबल टेम्परेचर है, जीरो केल्विन मिलता नहीं है। लेकिन जीरो केल्विन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फ्रीज हो जाती हैं, मटेरियल में कोई प्रॉपर्टी रहती ही नहीं है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसलिए वो टेम्परेचर होता भी नहीं है कभी, क्योंकि सारा का सारा ही रुक जाएगा। चलिए अब देखो आप यहां से ये ऐसे जाता है कहां पर, क्यूरी टेम्परेचर तक। जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर देखिए जीरो, अब यहां एक बात है ना, इस लाइन से
ये आपस में टच नहीं करते, जरा सा गैप रहता है, हेयर लाइन गैप बोल सकते हो आप उसको, है ना। और फिर इसके बाद में ये इस तरह से हो जाता है, फेरो मैग्नेटिक, ये सॉरी ये फेरो है वो पैरा है, फेरो एंड पैरा। अच्छा अब चलिए, अब सवाल ये उठता है कि साहब ये सब तो हो गया, अब आप ये बताओ कि क्यों तो डायमैग्नेटिक होता है इस दुनिया में, क्यों पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों फेरोमैग्नेटिक होता है। तो ये आपको केमिस्ट्री वाले सर ने बताया होगा, है ना, केमिस्ट्री के अंदर आप लोग ये पढ़ते हो। देखो डायमैग्नेटिज्म कब होता है, जब कोई भी लोन पेयर नहीं होता, मतलब सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं कॉन्फिगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। डायमैग्नेटिक तब होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में सब में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना पेयर में होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। और पैरामैग्नेटिक के लिए लोन पेयर मस्ट है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में ग्रुपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कि जो लाइक मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं ना वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और बहुत सारे छोटे 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 ग्रुप बन जाते हैं जिनको कहते हैं डोमेन, है ना। और वो डोमेन जो होते हैं ना इस तरह के होते हैं, देखो फेरो की बात कर रहा हूं मैं, फेरोमैग्नेटिक में जैसे मटेरियल है अंदर, अब मटेरियल के अंदर तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसमें क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं, एक सोसाइटी बन जाती है मैग्नेटिक उनकी, मतलब कोई रूल नहीं है किस तरह का बनेगा, अलग अलग साइज होती है उनकी, डोमेन कहते हैं उनको, क्या कहते हैं उनको, डोमेन कहते हैं। तो ये एक ग्रुप बन जाता है डोमेन का, कि जैसे इसके अंदर सारे के सारे एक साइड वाले होते हैं, एक साइड वाले सब मिले जुले होते हैं, सब फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स आर यूनाइटेड, फिर ये एक अलग तरह से बन जाता है, फिर यहां पर जाकर के ये ऐसा बन जाता है, कुल मिला के नेट जीरो होता है, ध्यान दीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का नेट मोमेंटम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। जैसे एक आयरन का पीस लिया आपने, अब आयरन का पीस आपने ले लिया, तो अभी भैया आयरन का पीस लिया है हाथ में तुमने, उसमें मैग्नेटिज्म नहीं है, वो मैग्नेट थोड़ी है आयरन का पीस, कि एक आयरन का पीस दूसरे आयरन के पीस को थोड़ी खींच लेगा। लेकिन जब आप उसी आयरन के पीस को किसी सोलेनोइड के अंदर डाल देते हैं जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर वो मैग्नेट बन जाता है, फिर वो स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है, राइट। तो ये आपके होता क्या है, ये डोमेन टूट करके एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं सारे के सारे। तो अभी जैसे मान लो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई सपोज इधर है, कोई सपोज इधर है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो ये जो है ना, अभी तो अलग अलग है सब, टोटल जीरो होता है, काफी सारे डोमेन होते हैं, टोटल जीरो होता है, राइट। जैसे उसको सोलेनोइड के अंदर डालते हैं तो फिर सारे एक डायरेक्शन में कलेक्ट हो जाते हैं और बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बन जाता है। इसलिए लोहे के मैग्नेट बहुत स्ट्रांग बनते हैं, लेकिन जब आप उसी मैग्नेट को किसी और मटेरियल का बनाना चाहो तो उतना स्ट्रांग नहीं बनता। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर मटेरियल में होती है, इस दुनिया का एक भी मटेरियल यूनिवर्स में ऐसा नहीं है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना हो, एक भी मटेरियल ऐसा नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ना हो, यानी सभी मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, सभी मटेरियल में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि फंडामेंटली इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण होती है। तो ये प्रॉपर्टीज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के कारण और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के कारण, राइट। तो ये अपन ने कर लिया, अब अपने को आगे पढ़ना है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन ही इस पर बनते हैं। फिर उसके बाद टेंजेंट लो है और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, तो ये सब हम अगले उसमें करेंगे लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। तो आप ये एक्चुअल में पूरा थ्योरिटिकल है, इसमें सवाल भी थ्योरिटिकल आएंगे, सवाल भी थ्योरेटिकल आएंगे, न्यूमेरिकल यहाँ बनेगा ही नहीं, न्यूमेरिकल है कहाँ, न्यूमेरिकल है कौन सा फॉर्मूला बनेगा, वो बस एक बनेगा वो, हाँ। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इस पर न्यूमेरिकल पता है कैसा बनेगा, कैलकुलेटिव बनेगा, बहुत कैलकुलेटिव, क्योंकि इसमें है ना ये एक्स जो है, ये एक्स क्या है बताओ, आई अपॉन एच है ना, एक्स आई अपॉन एच है, और जो आपका आई है वो क्या है, आई आपके तीन है, ध्यान दो, वॉल्यूमेट्रिक और स्पेसिफिक और मोलर, यहाँ कैलकुलेशन आ जाती है। वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम की कैलकुलेशन आएगी, स्पेसिफिक में मास की कैलकुलेशन आएगी, मोलर में मोलर की कैलकुलेशन आएगी, पता नहीं क्या है भैया,
किसने जाना, तो ये कैलकुलेटिव सवाल बनेगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग जो है ना ये कैलकुलेटिव सवाल देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, डू योर सेल्फ का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखो, जो हमने पिछले पेज पर ही डाल दिया, हालांकि उसको यहाँ डालना चाहिए था, ठीक है। 1, 2, 3, 4 जो है 5, ये तो आपका जो है ना वहाँ पे इसमें एक अलग चीज है। आगे जो है आपके क्वेश्चंस जो है ना अर्थ मैग्नेटिज्म पर भी थियोरिटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे, लेकिन टेंजेंट लो और वाइब्रेशन मैग्नेटिज्म पर आपके क्वेश्चन बनते हैं, राइट। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगला लेक्चर में अगला आएगा, राइट।